वही हल्द्वानी के नैनीताल रोड के पास अंबिका बिहार कॉलोनी में एक कपड़े के गोदाम के अंदर भीषण आग लग गई। आग ने 3 मंजिला भवन को अपने चपेट में ले लिया। सूचना मिलते पर हल्द्वानी कोतवाली पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, जहां पर टीम ने 3 मंजिला भवन में आग पर बहुत मुश्किल से काबू पाया। बताया जा रहा है कि नैनीताल रोड के अंबिका विहार कॉलोनी के पास एक व्यापारी का रेडीमेड कपड़े का काम है, यही घर पर उन्होंने गोदाम भी बना रखा है। बताया जा रहा है शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम आग लगने के कारणों की तकनीकी रिपोर्ट देगी। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। 12:33 के आसपास हमें 112 की तरह सूचना मिली गई आग के लिए। तुरंत ही 2 गाड़ी रवाना कर दी गई, क्योंकि आवास में आग की सूचना थी। लोगों के लाइफ को देखते हुए गाड़ी मौके पे पहुंच गई, पर जैसा कि आप जानते हैं रोडों पे गाड़ी खड़ी हुई थी जो लोग पार्किंग की तरह यूज़ कर रहे थे, उससे गाड़ी को एंट्रेंस में थोड़ी तकलीफ हुई, तो हमें काफ़ी लंबी होज लेइंग करनी पड़ी। आप अभी देख सकते हैं कि होज अभी हमने कम से कम 6-7 होज बिछाए हैं, जिससे ही हम आग पे कंट्रोल पा लिया गया है। अब कूलिंग चल रहा है। आग का कारण अभी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आप सभी के साथ साझा किया जाएगा और नुकसान का आकलन भी अभी किया जाएगा एक टीम बना के हमारे।